हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे। और आप सब की क्रिसमस की तैयारी कैसी चल रही है, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो क्रिसमस आने के पहले मैं पूरब को लेके जा रही हूँ नया हेयर स्टाइल करवाने के लिए, तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड था। और मुझे वैसे तो मैं घर पे ही करती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है आपसे, और लास्ट बार मैंने घर पे ही किया था उसका हेयर कट। फिर उसके बाद इस बार उसने कहा नहीं, उसे सलून जाना है, तो मैंने कहा ओके, तो मैं लेके आ गई और उसका हेयर कट हो रहा है। तो दिस इज़ हिज फाइनल लुक एंड ही इज़ प्रीटी हैप्पी विथ हिज लुक। और जो भैया कर रहे थे वो भी काफ़ी अच्छा से उसका हेयर कट कर रहे थे, काफ़ी टाइम लेके करते हैं धीरे धीरे, तो अच्छा है। ही इज़ गुड विद द किड एंड ही इज़ ऑल्सो इन्जॉइंग इट। सो टंटना, हेयर इज़ माई हीरो। सो हेयर कट कराने के बाद ये सलून के बाहर का है और वहाँ पे वो थोड़ा इंजॉय कर रहा था। सो घर आने के बाद फिर उसने स्नान किया और फिर यहाँ पे वो डॉगी को ब्रेड खिला रहा है। ये यहाँ का स्ट्रे डॉग है, ये आता रहता है और तो जब भी आता है पूरब काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और उसे बिस्किट ब्रेड जो भी रहता है वो उसको खिलाता है। मैं भी कभी कभी उसे रोटी या पास्ता भी खिला देती हूँ और बड़ा अच्छे से खाता है वो। तो अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं लंच बनाती हूँ। तो लंच में मैं बना रही हूँ चिकन हरियाली। तो उसके लिए मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया है नमक और हल्दी लगा के, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ घी राइस। तो मैं सिंपली घी राइस बना रही हूँ, जैसे उसमें घी डाला है और लौंग डाल दिया है और बस कुकर में रख दे रही हूँ। एक सीटी के बाद मैं बंद कर दूँगी और मेरा चावल तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक और प्याज का पेस्ट बना रही हूँ। मैं पेस्ट नहीं, एकदम फाइनली चॉप करूँगी मैं, जैसे कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मैं मिक्सर ग्राइंडर से फाइनली चॉप कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, इसे काफ़ी जल्दी हो जाता है मेरा। तो वहाँ पे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है और फिर मैं चिकन में आलू डाल रही हूँ। तो उसके लिए मैं थोड़ा आलू पहले मैं फ्राई कर ले रही हूँ। तो एक ही आलू लिया है मैंने और इसके चार टुकड़े करके मैंने उसको फ्राई कर लिया है। अब मैं उसको साइड कर दूँगी। तो आलू फ्राई हो जाने के बाद अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ खरे गरम मसाले। तो उसमें मैंने ऐड कर दिया है बे लीफ, सिनेमन स्टिक, लौंग, इलायची, और थोड़ा सा वो टेम्पर हो जाए तो उसके बाद फिर मैंने प्याज जिंजर गार्लिक का मिक्सचर मैंने ऐड कर दिया है। अब जब वो हल्का ब्राउन हो जाए फिर मैं उसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो स्पाइसेस में मैंने ले लिया है 1 टीस्पून आपका जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, आप रेड चिल्ली पाउडर भी दे देना 1 टीस्पून, मैंने वो नहीं डाला है। उसके बाद फिर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है और फिर हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद फिर सबको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। और जब मेरा मसाला अच्छी तरीके से भून जाए फिर मैं उसमें ऐड कर दूंगी चिकन, और फिर चिकन को भी अच्छी तरीके से मैं मसाले के साथ भून लूँगी। आप जब मसाले को भूने उस टाइम आप टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं या टमाटो काट के स्लाइस जैसा आपका मन करे आप डाल दें, मैंने वो नहीं डाला है टमाटर। और फिर मैंने इसमें आलू ऐड करके सबको अच्छी तरीके से भूनने के बाद फिर मैंने ऐड कर दिया है पानी, क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए तो इसलिए मैं ज़्यादा करके पानी ऐड कर देती हूँ। और फिर मैंने इसको ढक के मैं पका रही हूँ। तो अभी भी पक रहा है, बॉयल हो रहा है और इसको मैं ढक के और थोड़ा देर पकाऊंगी। उसके पहले मैंने फिर इसमें ऐड कर दिया है पालक का पेस्ट, ये जो मैं पहले से बना के रखती हूँ। तो मैंने इसमें 3 टेबलस्पून पालक का पेस्ट ऐड किया है और फिर सबको
अच्छी तरीके से मिला के मैं इसको ढक के पकाऊंगी। तो बॉईल होने तक मैं इसको पकने दूंगी, और जब ये पक जाए अच्छी तरीके से, फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया है खूब सारा धनिया पत्ता, और फिर ये मेरा ग्रेवी तैयार हो गया है। तो ये रहा मेरा लंच का थाली, पालक चिकन विद घी राइस एंड सम सलाड्स। और फिर लंच करने के बाद फिर मैं हम रेस्ट किए, और फिर मैं शाम को लेके गई पूरब को वॉक के लिए। तो वो रोड में स्कूटर चला रहा है, सो ही इज़ इंजॉइंग हिज राइड। और फिर मैं उसको लेके गई क्रिसमस ट्री के पास में, जहाँ पे वो स्कूल के सामने लगा हुआ था, तो वहाँ भी उसने थोड़ा इंजॉय किया। और फिर हम घर आ गए, तो घर आके फिर शाम को पूरा डांस प्रैक्टिस कर रहा है, जो वो क्रिसमस पार्टी में डांस करेगा उसका प्रैक्टिस वो कर रहा है। सो इट वाज गोइंग टू बी अ फन, और मैं ज़रूर शेयर करूँगी क्रिसमस पार्टी का सब अपडेट। तो यही था आज का ब्लॉग, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप सब अपना खूब ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन, बाय बाय, टेक केयर।